अस्सलाम वालेकुम गाइड्स, आज मैं आपको गर्मी में कम से कम गोश्त, मटन और मछली ये सब से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आज 42 सेल्सियस गर्मी चल रही है। और चावल को भिगा दिया और चावल दाल मेरी गल गई है, उसको मैं तड़का देने के लिए असली घी, प्याज, लहसुन और मिर्ची के बीज को डाल के उन दाल का तड़का दे दिया है। चावल मेरा रेडी हो गया है, रोटी तैयार कर रहे हैं। अब ये रोटी, दाल, चावल और हमको क्या खाना चाहिए ये मैं आज आप लोग को बता रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए मेरी रोटी रेडी हो गई है। अब मैं मिर्ची को बीच में से फाड़ ली हूँ, उसके अंदर 2 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा जो मैं भूज के पीस के रखी थी, अब इसके अंदर नमक डाल के इसको मिर्ची के अंदर भर दूँगी। इस तरह से मिर्ची को भर दीजिए और भरने के बाद इसको मैं तवे पे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से मिर्चा फ्राई हो जाएगा। तो अगर किसी को ये दाल चावल और मिर्ची खाना है, ये मिर्ची तेज़ नहीं होती, ये सब्ज़ मिर्ची है ना, और ये बिल्कुल तेज़ नहीं होती। अगर तेज़ रहे ना तो इसकी बीज निकाल लेना चाहिए। इसको तलने के बाद इसके अंदर नींबू का अदरक इस तरह से निचोड़ दीजिए। और खाने में रोज़ डेली आप दही ज़रूर यूज़ कीजिए। दही जो है हमारे पेट को भी ठंडक देगी, हमको उपकाई वगैरह नहीं आएगी, और बहुत ही अच्छी चीज़ है दही पेट के लिए। तो देखिए ये मेरा चावल है रेडी, दाल को मैंने तड़के के साथ बना ली हूँ।